Hi learners, this is Ajit Singh. Welcome to Trident Maths. जहां हम सीखेंगे मैथ्स को सबसे आसान तरीकों से, तो लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो हमारा टॉपिक है 10th का सीबीएसई का हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उस टॉपिक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो जिस तरीके आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक पहला क्वेश्चन है आज का, क्या है जरा देखते हैं और इसे कैसे सॉल्व करना है। क्या लिखा है? फ्रॉम ए एरोप्लेन वर्टिकली ओवर द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन आर द फाउंड टू बी द अल्फा एंड बीटा, सो दैट द हाइट ऑफ एरोप्लेन इज 10 अल्फा 10 बीटा डिवाइडेड बाई 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। तो इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई एरोप्लेन है, इनकेस मान लिया यहाँ पे इस ए पॉइंट पे कोई एरोप्लेन है और ग्राउंड पे दो कंजुगेटिव किलोमीटर स्टोन्स, इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे हम अगर मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो एक हमारा जो स्टोन है वो है सी पॉइंट पे और दूसरा स्टोन है बी पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्जुगेटिव किलोमीटर से है, इसका मतलब 1 किलोमीटर इन सीबी की लेंथ हो जाएगी। यानी कि क्या बोला उसने? डिप्रेशन बोला। यानी एरोप्लेन में कोई बंदा बैठा है, अगर मान लो वो देख रहा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे आएगा उससे, तो देखो जब भी आपको डिप्रेशन की बात आएगी तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो बी ए से पास होके जा रही होगी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो यहां से देखो, जब यहां से उसने देखा तो हमें ये जो एंगल मिलेगा अल्फा मिलेगा, और दूसरा जब उसने सी की तरफ देखा तो ये एंगल मिलेगा बीटा। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। तो ये एंगल आ जाएगा अल्फा और दूसरा एंगल हो गया बीटा। तो बात आती राइट एंगल ट्रायंगल्स की, तो हम देखो ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर। इस तरीके से हमें दो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये तो हो गया डायग्राम की बात, ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया, और हमें फाइंड करनी है हमारी जो हाइट वो इस टर्म में चाहिए है, ठीक है ना? सो दैट द हाइट ऑफ, तो यानी कि स्मॉल एच ले लिया, तो स्मॉल एच की हाइट जो है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए अल्फा और बीटा के टर्म में। इस पॉइंट को मैं एक पॉइंट नाम दे देता हूँ डी। ये लेंथ हमें फाइंड करनी है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। तो बस अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो बात करें अगर इन ट्राइंगल ए डी सी, तो अगर मैं 10 बीटा की बात करता हूं तो आ जाएगा एच अपॉन सी डी, और सी डी को अगर मैं एक्स ले लेता हूं, ये डिस्टेंस अगर एक्स हो गई तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पूरा अगर 1 किलोमीटर है तो यानी कि 1 माइनस एक्स, तो यहां से आ जाएगा एच अपॉन एक्स। तो यहां से मुझे एक्स मिल जाएगा 10 अपॉन एच अपॉन 10 बीटा। अब अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूं, इन ट्रायंगल ए डी बी, ये क्वेश्चन 1 है, तो यहां वापस से 10 अल्फा, तो ये हो जाएगा एच अपॉन, अब बेस कितना हो गया बी डी, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा एच अपॉन 10 अल्फा, इक्वेशन 2। अब अगर मैं 1 से इक्वेशन 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं एक्स की, तो हमें क्या मिलेगा? तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी 1 माइनस एच अपॉन 10 बीटा इक्वल एच अपॉन 10 अल्फा, और ये इधर शिफ्ट कर दो, इसका मतलब 1 इक्वल आ जाएगा एच अपॉन 10 अल्फा प्लस एच अपॉन 10 बीटा। डिनोमिनेटर इक्वेट करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे? 1 इक्वल टू एच कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 अल्फा 10 बीटा, और अकेले एच को रखना है, यानी कि ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस में डिवाइड हुआ, ये इधर डिवाइड हो गया और ये इधर आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? एच इक्वल 10 अल्फा 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो ये डिस्टेंस हमें मिल गई, क्लियर हुआ?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको सही से ध्यान से देख लो आप सभी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक का। तो क्या क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड्स में आया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर 30 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इन 60 डिग्री, तो फाइंड द हाइट। तो मोस्टली क्या होता है यहाँ पे कि लोग डायग्राम बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो और चलो देखते हैं क्या है ये डायग्राम। तो सबसे पहले हम एक लेक बना लेते हैं, इस तरीके से मान लिया हमारी लेक है और एक क्लाउड है यहां पे और इसका रिफ्लेक्शन उसको वाटर में लेक में दिख रहा है हमको कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये जो हाइट होगी क्लाउड की यहां से लेकर यहां लेक के बेस तक, उतनी ही हाइट नीचे रिफ्लेक्शन की भी होगी। भी नहीं बोलता है तो भी हमें ये बात पता होनी चाहिए, ये हाइट सेम होने वाली है। यानी कि एक बंदा है जो यहां से लेक से 200 मीटर के टावर मान लो या कुछ भी पोल मान लो वहां पे वो खड़ा है, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये अगर मेरा 200 मीटर है और यहां से उसने ऑब्जर्व किया उस क्लाउड को, ठीक है ना। तो ये एंगल बन, ऑब्वियसली अब एंगल हवा में तो बनेंगे नहीं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर मैं मान लेता हूं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास कुछ इस तरीके से है, और फिर उसने क्या किया गया? इसी क्लाउड के रिफ्लेक्शन को जब देखा उसने वाटर में, तो हमें मिलेगा एंगल, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये रहा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है जब उसने ऊपर देखा क्लाउड को, तो ये आया हमारे पास 30 डिग्री, और जब डिप्रेशन में देखा तो ये एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री, और ये हाइट हमें गिवन है 200 मीटर। और हमसे पूछा जाता है इस क्लाउड की हाइट क्या होगी, यानी कि वो मुझसे चाहता है ये डिस्टेंस। ये तो हो गया डायग्राम हमारा क्वेश्चन का, तो हमें ये एच फाइंड करना है। तो सिंपल है, ये जितना है उतना ही यहाँ नीचे रहेगा ये, तो ये तो हो गया डायग्राम, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो देखो ये एच आ गया, तो हमने क्या किया, बेस जो है उसे हमने एक्स मान लिया, ये एक्स है। तो इस तरीके से हमारे पास दो ट्रायंगल्स फिर से फॉर्म हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये भी 90 है ये भी 90 है। तो ए बी सी और टी, तो फिर से अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें क्या मिलेगा यहां से 1030, आ जाएगा हमारे पास ये ए बी। अब ए बी कितना है, ए बी अपॉन सी बी, सी 200 है तो ये कितना हो जाएगा, एफ ले लिया, ए एफ हमारा एच है, तो इसका मतलब ए बी हमें कितना मिलेगा, एच माइनस 200। अब देखो ये जो डिस्टेंस है पूरा बी डी, ये कितना हो जाएगा, एच प्लस 200, यानी कि इस ट्रायंगल के हिसाब से जो हाइट होगी वो होगी h माइनस 200, और ये हो गया x। और इसकी वैल्यू निकालें तो 1030 होता है 1/√3, और क्रॉस मल्टीप्लाइड करो तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 टाइम्स h माइनस 200। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर हुआ सभी को? चलो आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नीचे वाले ट्रायंगल्स की, जैसा डायग्राम में दिख रहा है कि इन ट्रायंगल बी सी डी, तो आएगा 1060 बी डी, थीटा के अपोजिट है हाइट, तो बी डी अपॉन बी सी, और ये हो जाता है एच प्लस 200 डिवाइडेड बाई एक्स, और यहां अब ये तो है √3, √3 से डिवाइड होगा या इधर ही रखा रहे, तो यानी कि आ जाएगा एक्स √3 इक्वल एच प्लस 200। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम देखें जरा, तो हम x की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं 2 में, तो इसका मतलब हमें जो आंसर मिलेगा √3 टाइम्स √3 h माइनस 200, क्योंकि ये x है हमारा,
और सामने है h प्लस 200। ये रूट थ्री अंदर आएगा तो आ जाएगा 3 टाइम्स h माइनस 200 और यहाँ है h प्लस 200 और ये हो जाएगा 3h प्लस 600, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि माइनस है वो, सामने आया h प्लस 200। h इधर गया, 600 इधर आया, इसका मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा 2h इक्वल 800, तो h इक्वल 400 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ सभी को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी नोट कर लो इस चीज को। सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल किया, फिर ये, और उसके बाद ये हमने अपना सॉल्यूशन निकाल लिया दोनों को कंपेयर करके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जिस तरीके से स्क्रीन पे हमारा क्वेश्चन दिख रहा है हमें सामने, क्या कहा जाता है यहाँ देख लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 60 मीटर हाइट, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर्स आर ऑब्जर्व्ड टू बी 30 and 60 degree। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द क्लिफ, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन क्लिफ एंड टावर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें साफ साफ दिख रहा है कि दो चीजें हैं, एक क्लिफ है और एक टावर है। क्लिफ और टावर में क्लिफ ऑब्वियसली हाइट ज्यादा होगी उसकी, क्योंकि यहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है क्लिफ की हाइट, क्योंकि डिप्रेशन की बात कर रहा है और वो किसको देख रहा है, टॉप एंड बॉटम टावर को। इसका मतलब चलो डायग्राम देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा। तो कुछ इस तरीके से मान लिया ये हमारा ग्राउंड है और यहां है ये क्लिफ और दूसरा है हमारे पास ये है टावर, इस तरीके से मान लिया। यहां से उसने ऑब्जर्व किया टॉप को और इसके बॉटम को, इस तरीके से, और ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं वो हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे और दो एंगल फॉर्म हो जाएंगे हमारे पास। ये जो पहला एंगल है 30 डिग्री है और दूसरा एंगल है 60 डिग्री। तो फिर से वही कि जो एंगल बनता है वो ओरिजेंटल लाइंस होती हैं। इसका मतलब हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो अल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम है, ठीक है ना। और हम ये जो हाइट दी है क्लिप की पूरी 60, ये हमें गिवन जो है ये कितना गिवन है हमारे पास 60 मीटर। हमसे ये टावर की हाइट पूछी गई है, ये टावर है जिसके टॉप और बॉटम को वो देख रहा है क्लिप से यहां से, ठीक है ना। और साथ ही साथ मुझे ये एक्स भी पूछा गया है। तो इस तरीके से ये एच और एक्स के बारे में हमें बताना है और दोनों का डिफरेंस जो ये है 60 माइनस एच, ये भी हमें फाइनली फाइंड करना है। तो इतनी चीजें हमें देखनी है यहाँ पे। तो फिर देखिए दो ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं, हम नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये अगर ए बी सी टी एंड ई, तो ये तो हो गया डायग्राम। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी की, तो यहां से है 10 30, तो यहां हो जाएगा 60 माइनस एच डिवाइडेड बाई एक्स, क्यों, क्योंकि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम ये देखो 1/√3 होता है तो एक्स इधर गया, रूट थ्री इधर आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3 टाइम्स 60 माइनस एच। तो ये हमारा इक्वेशन वन आ जाएगा। अब अगर हम दूसरे ट्रायंगल में देखें नीचे इन ट्रायंगल ए ई टी में, और यहां हम बात करें 10 60 की, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई एक्स, क्यों, क्योंकि पूरी हाइट है। तो यहां देखो ये होता है √3, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा एक्स इक्वल 60 by √3। तो डायरेक्टली मुझे एक्स मिल गया, हमें यही तो चाहिए था, ये हाइट एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हमारे पास एक्स आ गई, तो यहां से आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 60 √3 by 3, यानी कि 20 √3 मीटर। ये आंसर आ गया हमारा डिफरेंस दोनों के बीच की डिस्टेंस का, डी का।
अब ये वैल्यू अगर मैं वन में सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे फर्स्ट मिलेगा आंसर, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन, इस आंसर को इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, एच के बारे में पता चल जाएगा। तो ये देखो 20√3 इक्वल रूट थ्री, 60 माइनस एच, रूट थ्री कैंसिल आउट, 20 इक्वल 60 माइनस एच, यानी कि एच इक्वल 60 माइनस 20, यानी कि एच आ जाएगा 40 मीटर। इसका मतलब मुझे हाइट मिल गई टावर की कितना, 40 मीटर। तो इसका मतलब ये आंसर कितना आ जाएगा, 60 माइनस 40, 20 मीटर। तो इस तरीके से सारे आंसर्स आ गए, ये और ये। तो देखा आपने हर बार क्या करना है, मेन क्या है हमारा डायग्राम, अगर आप डायग्राम बना लेते हो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में तो आगे कुछ बचा नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। बस मोस्टली 90% टेन थीटा ही यूज होता है, बहुत रेयर क्वेश्चन, कुछ दो तीन क्वेश्चन ही देखे मैंने जिसमें साइन थीटा या कॉस थीटा की बात चल रही होती है, नहीं तो आप टेन थीटा से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इनको आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पर रोकते हैं। चलो बाय, टेक केयर।